हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द विजार्ड बॉय। तो मैं आ गया हूँ एक और ट्रैवल वीडियो लेके, जिसमें हम जा रहे हैं कोटा। तो अभी बज रहे हैं 10, पिज्जा हमने ऑर्डर कर लिया है, गाड़ी सामान हमने पैक कर लिया, ये रेडी हो गई, मेरे को रेडी होना बाकी है। तो असल में हम कोटा जा रहे हैं अपने एक दोस्त के ब्याह में, शादी में। तो हम लोगों के 2 दिन का वहाँ पे स्टे है, 2 दिन वहाँ पे सारे फंक्शन रहेंगे, अपन लोग सारे फंक्शन एंजॉय करेंगे। कल सुबह पहुंचने का टारगेट है, क्योंकि कल सुबह से सारे फंक्शन स्टार्ट होने हैं। तो 10 बजे निकलने का हमारा प्लान था, पर 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो अभी बिना लेट करे हुए मैं फटाफट से रेडी होता हूँ और निकलते हैं हम अपने ट्रिप के लिए। तो भाई सब रेडी अपन हो गए हैं, और सामान यार अब थोड़ा रियलाइज हो रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया। ये बहुत कुछ है। असल में अपन दोनों पड़े थे बीमार 2 दिन पहले तक, तो हमने कुछ पैकिंग किया नहीं, टाइम मिला नहीं वीकेंड पे कुछ भी। 1 दिन पहले जो मेरा जैसा मिला उठा के सब रख दिया, कुछ कमी ना पड़ जाए। वैसे भी गाड़ी से जा रहे हैं, कोई नहीं गाड़ी में पड़ा रहेगा, कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर मिस हो गया तो कहाँ ढूंढते रहोगे। सामान कर लिया सब लोड, टाइम हो गया 10:45, मौसम बदल गया एकदम, हवा चलने लगी तेज, और अपन लोग निकल रहे हैं। गाड़ी वाड़ी में सामान सब लोड कर लिया, सबसे चेक कर लिया, फ्यूल रिफिल कराना पड़ेगा। और क्योंकि रास्ता थोड़ा सा सुनसान होने की उम्मीद है, इसलिए हम अपना असला बारूद लेके चल रहे हैं साथ में। ये दे दिया मम्मी ने हथियार, जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है, लेकिन फिर भी होना चाहिए गाड़ी में। जय श्री राम, चलो बाय। तो भाई निकल चुके हैं फाइनली अपने घर से, और कुछ प्लान नहीं है कहाँ रुकेंगे, कहाँ कैसे रुकेंगे, कौन सा ब्रेक लेना है, वो सब रास्ते में ही देखेंगे कब कहाँ कैसे करना है। अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया कि अरे यार ये कहाँ से आ रहा है। तो ये फ्यूल हो गया है हमारा फुल, ट्रिप कर लेते हैं सेट। ट्रिप बी को हम कर लेते हैं 0। वैसे तो ऐसा कुछ अगर मैं दिख ही नहीं रहूंगा ना, वैसे तो ऐसा रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं, मतलब रास्ते में अंधेरे में ड्राइविंग पे ध्यान रहेगा, लेकिन स्टिल मैं रास्ता बीच बीच में दिखाता रहूंगा, कुछ खाना पीना, कुछ ब्रेक हमारा रहेगा तो मैं दिखाता रहूंगा। तो भाई फिलहाल का अपडेट ये है कि हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे चढ़ चुके हैं, और अभी बज रहे हैं 11:15, और मैप की देखा जाए तो सीधा सीधा पता नहीं मैं आपको दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, सीधा सीधा 70 किलोमीटर इसी पे चलना है अभी। तो हम लोगों ने लगा लिया अपनी प्लेलिस्ट, अच्छी खासी रोड है, अच्छा खासा ट्रैफिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। खैर ईस्टर्न पेरिफेरल हमने क्रॉस कर लिया है, और हम अभी वेस्टर्न पेरिफेरल में एंट्री कर रहे हैं। इस पे भी हमें चलना है करीब करीब 15-16 किलोमीटर चलना है। ये हैं हमारे खिलाड़ी जो बहुत जोश में घर से निकले थे, और अभी ट्रिप शुरू होने के आधे घंटे के अंदर डेड पड़े हैं। आधा घंटा नहीं हुआ और इनको नींद आना स्टार्ट हो गई है। खैर कोई नहीं, अपने को क्या चाहिए, रास्ता है, गाड़ी है, गाने हैं, चलते चलो। तो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और वेस्टर्न पेरिफेरल दोनों ही हमने क्रॉस कर लिए, और हम फाइनली आ गए हैं अपने इस नए वाले हाईवे पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और मैप की मैं देखूं तो मैप मेरे को दिखा रहा है पूरा कम से कम 162 किलोमीटर मुझे इसी पे चलना है अब। तो मैंने जो सुना है कि इस पे कुछ रेस्ट एरिया नहीं है, कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा आपको, कुछ दुकानें नहीं मिलेंगी कुछ, अगर वैसे ही है, पता नहीं वीडियोस पुरानी भी हो सकती हैं, अगर तो वैसे ही है तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है, बट अगर वैसा नहीं है और कुछ ना कुछ मिल जाता है तो रेस्ट लेंगे, नहीं तो 163 किलोमीटर इस रास्ते पे सुनसान रास्ते में मेरे को नहीं लगता मैं कहीं रोकूंगा गाड़ी। तो गाइज अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो हाईवे बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत मतलब एकदम स्मूथ है, कोई वो नहीं आ रहा, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, कुछ भी ऐसे झूल नहीं रही गाड़ी, बहुत स्मूथ है। हम तो अभी रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारे साइड में जो है कुछ तो पहाड़ है, मतलब ठीक है इतने बड़े नहीं है, छोटे मोटे हैं, लेकिन कुछ तो पहाड़ है। वो हल्का सा अंधेरे में आपको जो हल्की सी रोशनी दिखती है ना, कुछ तो पहाड़ है, लाइट वाइट भी दिख रही है ऐसे। आई एम श्योर ये जो दिन में इस रास्ते पे ना अलग ही मजा आता होगा गाड़ी चलाने में।
दोस्तों ये एक रेस्ट एरिया दिखा तो है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया, शायद पेट्रोल पंप भी है, नाम तो लिखा है काफी चीजों का, रिफ्यूल, रिफ्रेश, रिपेयर एंड रेस्टोरेंट। देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने मिल जाता है तो। हाँ चीजें तो खुली हुई है यार, चीजें तो खुली हुई है, चलो देख लेते हैं। तो भाई ब्रेक हमने ले लिया, चाय पी ली और सैंडविच खा लिया, लेकिन सच बताऊं तो ओवर प्राइस्ड है। हाँ चाय अच्छी थी, कुल्हड़ वाली चाय पी थी, अच्छी थी, लेकिन सैंडविच जो ऑर्डर किया था ना, मतलब क्या ही बताऊं, एकदम पतले पतले से दो सैंडविच, पता नहीं क्या ही तेल लगा रखा था, मैजिक ऑयल नाम दे रखा था, पता नहीं कैसा था, अजीब सा टेस्ट था, जो होता है ना सी फूड वाला ऑयल, उससे ही बकवास। और दूसरी चीज उसकी कीमत थी 110 रुपए, तो मतलब पचा नहीं मुझसे ना, ओवर प्राइस का भी ओवर प्राइस है। अब सैंडविच आप कितने का सोचोगे, 20-30-40 रुपए वैसे मिल जाता है, आप नॉर्मल ढाबे जाओ, चलो चले जाओ, चलो 60 रुपए का मिलेगा मैक्स टू मैक्स, 110 रुपए। खैर एनीवेज अब जो है सो है, चल। तो गाइस आई थिंक जो हमारा ये मुंबई एक्सप्रेस वे वाला, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वाला जो रास्ता था वो कवर हो गया है, ये आगरा का एग्जिट निकल रहा है, हमारा भी अभी 500-600-700 मीटर बाद हमारा भी एग्जिट है। मतलब अगर इस क्या बोल मतलब इस रास्ते पे चलाने में, गाड़ी चलाने में मजा तो बहुत आया। अभी अपना 400 मीटर पे एग्जिट ले लेते हैं, पहले इस हाईवे को छोड़ते हैं, फिर उसके आगे का देखते हैं रास्ता कैसा है। तो हमने एक्चुअली ना सीधा जो हमारी डेस्टिनेशन है, हमने वहां का मैप ना लगा के हमने अलग अलग मैप लगाया, मतलब तो मेरा दोस्त है जो ऑलरेडी इस रास्ते पर ट्रैवल कर चुका है, मैंने उससे पूछा था, उससे हेल्प ली थी, उसने मेरे को बताया, बीच में पिन कर दी थी एक लोकेशन, वहां से उसने बोला था दूसरा रास्ता कटने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसी रोड को फॉलो करता हूँ और लास्ट कोटा तक जाता तो ठीक नहीं रहता, क्योंकि बीच में कुछ वन वे आता है जो कि काफ़ी बोलते हैं कि फंस जाता रास्ता, वहाँ पे कोई गाड़ी फंस गई तो आप निकाल नहीं सकते, बस थोड़ा थोड़ा है घिचपिच वाला रास्ता, तो उसको अवॉइड करना था, तो मैं उसी मैप को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ, उसी लोकेशन को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। तो भाई अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दौसा सिटी, लेफ्ट में जो रास्ता निकल गया वो दौसा सिटी के लिए निकल गया, और ये सीधा सीधा चला गया जयपुर रिंग रोड है, जयपुर के लिए रास्ता चला गया। जयपुर अभी यहाँ से है कितना, 56 किलोमीटर दूर। भाई अपन ने ले लिया दूसरा ब्रेक, बस्सी शहर में हम एंटर कर चुके, मतलब शहर के बाहर ही हैं, शहर की बाउंड्री पे ही हैं, सॉरी बॉर्डर पे ही है। ब्रेक ले लिया, छोटा सा ये ढाबा मिल गया, बॉर्डर क्रॉस करते टोल क्रॉस करते, और अभी मैडम जी एज यूजुअल सो रही हैं। फैंटा चाहिए, फैंटा ले लो, मैं तो चाय पीऊँगा क्योंकि मुझे हल्की सी नींद आ रही है। टाइम हो रहा है 3:15, ऑलमोस्ट 3:30, चाय पीऊंगा, थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, फिर निकलता हूँ। भाई कुछ भी कहो, अभी तक राजस्थान में दो जगह चाय पी ली, दोनों में दिल खुश हो गया। चीयर्स। तो दोस्तों जो हमारी पिन लोकेशन थी, या यूं कह लो जो हमारा फर्स्ट लोकेशन थी, वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 2-2.5 किलोमीटर में पहुँच जाऊँगा। अभी तक अपन चल रहे हैं दिल्ली आगरा बाईपास पे, तो आगे से हमें लेना है, लेफ्ट लेना है, 2-2.5 किलोमीटर पे आएगा, और हमें जाना है जयपुर, जयपुर रिंग रोड पकड़नी है, जो कि हमें सीधा हमारे डेस्टिनेशन ले जाएगी। रोड की हालत सब ठीक है, सब ओके है, ऐसा कुछ टाइम दिखा भी रहा है, हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है 7:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 3:50। जयपुर रिंग रोड थी उसी पे कंटिन्यू किया, 17-18 किलोमीटर आ गया, बस अब 1-1.5 किलोमीटर और रह गया, वहाँ से लेफ्ट लेना है। तो इसी बीच मुझे याद आया कि हम लोग वहाँ से चले तो हमने पिज्ज़ा भी लिया था, कहाँ चला गया पता नहीं, ये रखा। अब क्या है ना कि अगर चीट कर ही रहे हो, मतलब चीट तो नहीं है यार, बट खाने का बहुत मन हो रहा था तो मैंने सोचा खा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ का खाना पीना रह गई, काफ़ी देर से कुछ खाया भी नहीं था, तो ये इतना बचा है वैसे तो, क्योंकि छोटा सा ही पिज़्ज़ा लिया था, कि ज़्यादा हो तो मैं ज़्यादा खा लेता, मैं रोकता नहीं खुद को, फिर छोटा सा लिया था, मैडम अपना खा चुकी है, और मेरे को लग रहा है मैं इसका भी हाफ ही खाऊंगा, तो ये भाई साहब ठंडा हो गया, बट अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपन तो कोल्ड ड्रिंक में डुबो के भी खा लेते हैं। ओहो स्वाद तो है, मज़ा आ गया। तो भाई हमने जो एक्सप्रेसवे था, सॉरी एक्सप्रेसवे नहीं, जयपुर रिंग रोड थी, वो हमने छोड़ दी है, और
ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है हमारा जयपुर सिटी के लिए, बट हमें जयपुर सिटी नहीं जाना है, हमें आगे से यू टर्न ले लेंगे क्योंकि हमें निकलना है कोटा की तरफ। क्या बना हुआ ये मुझे भी नहीं पता नाम इसका, देखता हूँ कुछ दिखता है तो कुछ भी कहो, बहुत भव्य है ये, देखो ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। डोंट नो ये बैंक्वेट है या मंदिर है, मुझे नहीं पता, यहाँ मंदिर लिखा हुआ है तो वो मंदिर है, कुछ और उसी का ही ये मंदिर लिखा हुआ है, मंदिर यहाँ है या वहाँ है मुझे नहीं पता। ओहो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बहुत ज्यादा एरिया अंदर, बहुत बहुत बड़ा एरिया अंदर कवर्ड है। आई थिंक एक साइड मंदिर है और दूसरी साइड बैंकेट हॉल है शायद। नाइस बाबा मलाई ढाबा, और यार मलाई वाली रोटी भी मिलती है यार, याद आ गया मेरे को, मलाई की रोटी मिलती है, मलाई के परते उतार के उस पर चीनी में डाल के मजा आ जाएगा, खाएंगे याद रखना उसको, लिख लेना कचौड़ी के साथ। भाई साहब अब फील आ रही है एकदम कि हम राजस्थान आ चुके हैं, राजस्थान जैसी रोड दिख रही है सामने रोड, और लेफ्ट राइट में खाली ग्राउंड, खाली मैदान पड़े हैं। बट एक चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा कि खाली रोड खाली मैदान देख के, चलो ठीक है मैं तो वीडियो बना रहा हूँ साइड में, मैंने धीरे चला लिया, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना खाली ग्राउंड दिखते हैं ना साथ साथ आपको जानवर भी मिलते हैं, जीव जंतु खूब सारे दिखते हैं जो अंधाधुंध तरीके से, क्योंकि आप उनके एरिया में घुस रहे हो राइट, तो वो नहीं देखते, उनके लिए ट्रैफिक सिग्नल कुछ नहीं होता, वो जब जहाँ मन करता है जैसे मन करता है मुंह उठा के चल देते हैं, और गलती से अगर आपकी गाड़ी में आ गए अपना नुकसान तो उठाएंगे आपको बहुत तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जैसे जो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो दुर्घटना ना घटे इसलिए सड़क पे अपना ध्यान ज्यादा रखे, और मेरी इतने वीडियो थोड़ा कम बनाए। तो वैसे टाइम हो गया है सुबह के 7:30 और हमारे यहाँ रास्ता रह गया बस 1.25 घंटे का रास्ता रह गया, मतलब बहुत ही अच्छा सनराइज हो रहा है, रास्ता दिख रहा है, हमें हेडलाइट की जरूरत नहीं है, अब अच्छा लगा थोड़ा ड्राइव करने में, और रोड सच में बहुत अच्छी है, कोई टेंशन ही नहीं है रोड को लेके। तो मैडम तो सोई हैं आराम से, इनको तो कोई टेंशन नहीं है आराम से, कम से कम 80% तो सोई है, 70-80% सो के टाइम निकाला है, जो कि इनको नहीं करना था, इनको जागना था पूरा, मैं कॉफी लेके आया था ताकि मुझे नींद ना आए, वो भी इन्होंने पूरी पूरी पी और सोने में सोई भी पूरी पूरी है। एनीवेज 1.25 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में होटल, तो मैं सीधा वहीं जाके मिलता हूँ, देखते हैं क्या इंतजाम है वहां पहुंच के, फिर आपको बात करते हैं। अरे भाई साहब ये तो हमारा ही स्वागत हो गया, वेन्यू में तो पहुंच ही गए पर कोई है क्या। तो गाइस वेन्यू पे अपन पहुंच चुके हैं और अपने रूम में भी अपन लोग पहुंच चुके हैं, तो आपको रूम दिखाऊं तो वहां से एंट्री है, वो वार्डरोब है, ये वॉशरूम है, एक बड़ा सा शीशा है, टीवी, बेड, अच्छा रूम है, और हमने अच्छे रूम का अति गंद मचा दिया हर बार की तरह अपना सामान इधर उधर पटक के, और यहाँ से पीछे देखें तो ओके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेडी होंगे और फिर हम अपने आगे शादी के फंक्शन में जाएंगे, ढोल बजना स्टार्ट हो गया। तो ये जो वीडियो थी ये थी हमारी नोएडा टू कोटा की रोड ट्रिप, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल, मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।